अब मेरे पास कुछ कहानियों के नाम, मैं नाम आपको बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ या नहीं और मैं फिर सुनाऊंगा, ठीक है? मेरी आवाज़ सब तक आ रही है क्या? तो जिक्र करते हैं शहजादी जहां आ रहा है। शहजादी जहां आ रहा है, मतलब उसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहा जाए कि जिसकी माँ मुमताज़ हो, तो खूबसूरत बोलना उसके लिए जैसे उसके हुजूर में जो है गुस्ताखी करना। खूबसूरती में अव्वल थी और सीरत में भी अव्वल थी, सादगी एकदम जैसे उनके अंदर फूट फूट के भरी हुई थी। तो जब उनकी अम्मा इंतकाल फरमा रही थी बुरहानपुर में दक्कन की तरफ, तो उनकी अम्मा ने उनको बुलाया और कहा कि ये सारे जो तुम्हारे बहन भाई हैं इनको सबको अपने साथ लेकर चलना। तो बड़ा एकदम 70 के ज़माने का एक मूवी वाला सीन था। उन्होंने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा रोते हुए, उनको जो है वादा किया कि अपने सारे भाई बहनों को जो है वो साथ लेके चलेंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो 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 वालिद हैं, तुम्हारे अब्बा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब वो इतना इश्क करते हैं वो टूट जाएंगे, तुम्हें उन्हें संभालना पड़ेगा। तो पूरे वादे वगैरह हुए और जहाँ आरा ने वो सारे वादे जो है वो पूरे किए। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने जो है खुद शादी तो की नहीं कभी, उन्होंने अपने भाई की शादी की दारा शिको की, और खुद दारा शिको की शादी में उन्होंने अपने 25 लाख रुपए लगाए पर्सनल। आज के ज़माने में लगाते होंगे आपको, हाँ। और उन्होंने अपनी तरफ से 25 लाख रुपए जो है अपने भाई की शादी में लगाए और अपने फादर को संभाला, सही फैसलों में जो है वो उनको सलाह दिया करती थी। और उनके फादर भी जो है उनको बहुत मानते थे, मतलब मुमताज़ के बाद जो रुतबा हासिल किया किसी ने तो वो जहाँरा बेगम साहिबा थी, जिनके नाम से साहिबाबाद है। वहाँ पे साहिबाबाद में एक बाग होता था, साहिबाबाद गाज़ियाबाद के पास, और उन्हीं के नाम से होता था। और इन्होंने चांदनी चौक में भी जो है एक बाग लगाया जिसको बेगम का बाग बोला गया। तो जितनी भी बेगम वगैरह जो होती थी वो सब जो है, मतलब जैसे ये सामने आती थी तो सब जो है छुप जाते थे, कॉर्निश बजाने लगती थी। और ये मतलब इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, तो कहती थी कि नहीं चची जान, आपका तो रुतबा बड़ा है, आप मेरी से उम्र में बड़ी हैं। तो इसलिए सारे इनसे जो है सब खुश रहते थे, बस दो लोगों को छोड़ी, औरंगज़ेब और रोशन आरा बेगम। औरंगज़ेब भी कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत करता था वो अपनी बहन की, पर वो डरता था रोशन आरा से कि अगर वो उसके सामने तारीफ करेगा तो रोशन आरा उसको डांट देगा। तो एक बार की बात, बेगम साहिबा की सालगिरह थी, तो सालगिरह के मौके पर जो है मतलब पूरा लाल किला जो है वो सजाया गया। जो हमने पढ़ा है वो इस लाल किले की बात है, कई लोगों का कहना है कि दूसरे लाल किले की बात है। लाल किले तो बहुत हैं हिंदुस्तान में, आगरे वाले की, पर जो हमने जो पढ़ा है वो इस लाल किले के बारे में पढ़ा। तो बेगम साहिबा की सालगिरह थी और पूरा जो है वो लाल किले को जो है वो सजाया गया, और रात में जो है रत जगह होते थे और रत जगह हो रहा है, और हर जगह से जो है लोग मोतियाँ जो है वो उनके पाँव में जो है वो डाल रहे हैं। और वो जो है उन्होंने एकदम मतलब दुल्हन की तरह जो है वो अपने सालगिरह की दुल्हन बनकर जो है वो आई हैं। और जैसे ही वो आई तो मतलब क्षमा दान जो है वो रखे हुए थे, मतलब क्षमाएँ रखी हुई थी। तो उनके जो रेशम का जो बट्टा था वो किसी एक क्षमा पर जो है जाकर पड़ गया, क्षमा की जान चली गई, और जो क्षमा थी वो उनके बट्टे से आकर लिपट गई। उस टाइम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया है, पर थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि वो कपड़ा ऐसा था कि वो तेज़ी से जलने लगा, तो जो बेगमात थी सारी की सारी औरतें वगैरह थी वो आकर जो है हाय तौबा हाय अल्लाह मचाने लगी वहाँ पर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उसे बुझाया जाए। तो जल्दी जल्दी जो है उनकी कुछ बॉडीगार्ड, फीमेल बॉडीगार्ड वो आई और उन्होंने जो है उनको मतलब कस लिया अपने आप से, तो उन्हें भी आग लग गई। वो अलग जो है वो चिल्लाए रही थी, हाय हाय कर रही थी। अब कुछ बेगमात जो थी वो इस चीज़ में थी, इस मुगालबे में थी कि इनका किस्सा ख़त्म हो तो थोड़ी हमें भी पहचान मिले, मतलब शाहजहाँ की वाइफ तो हम भी हैं, उनकी बेटी को जितना पूछता है हमें तो कोई नहीं पूछता। तो खैर
जो हरम जो होता है वो सियासत का कहवारा होता है, जितनी साजिशें वगैरह वो होती हैं वो हरम से ही शुरू होती हैं। अब किसी तरीके से जो है वो आग बुझी, तो बुझने के बाद जो है वो अपना काम पूरा कर गई, मतलब बेगम साहिबा का पूरा पेट और पूरा सीना और पूरे हाथ और पूरी तरीके से जो है वो जल गए थे। और ये कहते हैं कि मतलब शाहजहाँ ने देखा तो वो रो नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू गिरे। और जब जहाँरा बेगम साहिबा की बहनों ने उन्हें देखा तो वो रोने लगी और कहने लगी कि कसम से आपा हजरत, आपको नज़र लगी थी, आपको जो है वो नज़र लगी थी, आप सालगिरह की दुल्हन बनी हुई थी, तो ऐसी भी दुल्हन कि जन्नत की हूरें जो हैं वो खुदकुशी कर लें और परिस्तान की परियां जो हैं वो परिस्तान से कूद जाएँ और जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लें। अब वो दर्द में पड़ी हुई है और यहाँ जो है वो दिल्ली के जो हकीम वगैरह हैं और सारे वैद वगैरह जो हैं उनके इलाज वगैरह में जो है वो लगे हुए हैं। अब बादशाह सलामत ने जो है फ़ौरन उनके ऊपर से जो है सदका निकालना, आशर्ती निकालना जो है वो शुरू किया और दर्द कम ना हो। अब धीरे धीरे जो है वो वक्त बीता, उनके जो है आंवले और गहराते चले गए, छाले जो है उनके बदन पे पड़े थे। तो उस टाइम पे जो ज्योतिष होते थे, नजूमी और ज्योतिष, उन्होंने जो है तजवीज़ पेश की कि बादशाह सलामत, बेगम साहिबा ने जो है एक परिवार है जिसका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, जो आज भी रोता है। बादशाह सलामत ने पूछा ऐसा क्या हुआ था, बयां करो। तो बताया कि बेगम साहिबा ने एक बार क्या किया था कि हरम में जो है बेगम साहिबा की एक कनीज को जो है किसी खिदमतगार ने जो है वो छेड़ दिया, तो बेगम साहिबा को इतना गुस्सा आ गया कि बेगम साहिबा ने उसके पैजामे में काला नाक छुड़वा दिया, जिसकी बदौलत जो है वो मर गया। वैसे तो इतनी बड़ी कोई ऐसा कोई गुनाह किया नहीं था कि उसको जो है इस तरीके से मरवाया जाए, वो तो मर गया, पर उसका जो उसके जो परिवार वाले हैं वो आज भी जो है बेगम साहिबा को बहुत कोसते हैं। तो उनकी आह ठंडी हो तो बेगम साहिबा के बदन के जो आंवले हैं वो भी खामोश हो जाएं। तो बादशाह सलामत ने जो है बेगम साहिबा के पास गए, उन्हें याद दिलाया कि उस दौरान तुमने इस तरीके से जो है ये कारनामा किया था, उनके उनकी फैमिली वालों को जो है तुम खत लिख कर जो है वो माफ़ करो। तो बेगम साहिबा ने जो है उस पर मोहर लगा दी और जो है वो खत भेजा गया, अशर्तियाँ हर जाने के तौर पर जो भी थी, और जो है उनको माफ़ कर दिया। फिर भी जो है बेगम साहिबा के जो दर्द था वो कम ना हुआ। अब जो है एक फिरंगी डॉक्टर को बुलाया गया, जब फिरंगी डॉक्टर आया तो उसने 1,00,000 रुपये लिए और जो है कुछ वक्त के लिए तो बेगम साहिबा ठीक हो गई। और ये कहा जाता है कि बादशाह सलामत ने जो है एक मन्नत मांगी कि अगर बेगम साहिबा ठीक हो जाएंगी तो अजमेर शरीफ जो है उनको लेकर जाएंगे। थोड़े दिन बाद जो है बेगम साहिबा का दर्द भी कम हुआ, थोड़ा बोलने चलने लगी, तो जो है वो उनको यहाँ से लेकर जो है वो अजमेर के लिए निकल पड़े। जैसे ही मथुरा क्रॉस किया, बेगम साहिबा के जो ज़ख्म थे वो खुल गए। तो जब ज़ख्म खुल गए तो क़याम वहीं पर रोक दिया गया। अब वहाँ पर जो है एक जोगी रहता था मथुरा में, मथुरा का जो सूबेदार था उसने आके बताया कि बादशाह सलामत यहाँ एक जोगी रहता है जो एक ऐसी भभूत देता है जो ये दावा करता है कि बेगम साहिबा इस भभूत का इस्तेमाल करेंगी तो फौरन अच्छी हो जाएंगी। मरता क्या ना करता, बादशाह सलाम हर किसी की बातों में आ जाते थे। उन्होंने भी उस जोगी को बुलवा लिया दिल्ली और नाव के सहारे जमुना से जो है वो सीधा लाल किले आकर जो है ना जोगी ने जो है वो भभूत दी और करिश्माई तौर पर जो है 2 से 3 दिनों में बेगम साहिबा ठीक हो। और जब बेगम साहिबा ठीक हुई तो फिर जो बेगमात थी लाल किले की, उन्होंने उनके सर पे से मतलब कूद कूद कर जो है सदके दी और उनको जो है बाकायदा तुलवा कर जो है उनके जो है मतलब उतना सोना हीरे मोती पन्ना जो है वो दान दिया गया। और जोगी को जो है ये कहा जाता है कि उसे भी उतने ही सोने में तुलवा कर जो है दान दिया गया। कुछ वक्त बाद जो है मतलब बेगम साहिबा के जख्म फिर खुल गए। अब फिर बाद में जो है किसी टीम ने जो है उनको ठीक कर दिया और ये कहा जाता है कि आखिरी उम्र तक जो है बेगम साहिबा को उनके जो जख्म थे बड़े परेशान करते थे। तो ये थी बेगम साहिबा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत अच्छे काम तो किए पर उन्हें वो सुकून वो चैन कभी हासिल ना हो।